नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फूड टेक टॉक्स के एक नए एपिसोड में। मैं आपका होस्ट कम दोस्त अखिल चौधरी आज आपके लिए लेके आया हूँ कुछ बेहतरीन फूड टेक्नोलॉजी, फूड इंडस्ट्री के रिलेटेड अपडेट्स। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, जो इस चैनल पर नए आए हैं उन्हें दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल पर अगर आपको अब पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल में आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, लेटेस्ट, यूनिक वीडियो मिलने वाली है फूड टेक्नोलॉजी और फूड साइंस के रिलेटेड। अगर आपको कहीं ऐसे अपडेट चाहिए तो आपको एक सब्सक्राइब बटन दिया हो उसे दबाना होगा और साथ में बेल आइकन दिया होगा उसे हिट करना होगा। तो चलिए गाइस, हम इंडस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी की अपडेट्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा पहला अपडेट आता है FSSAI की तरफ से, FSSAI की तरफ से। तो दोस्तों इन्होंने क्या करा है, इन्होंने गाइडलाइन निकाली है। गाइडलाइन में इन्होंने क्या बताया है कि जो भी अब जो स्वीट्स जो बनती हैं, जो दुकानों पे जैसे हलवाई जो स्वीट्स बनाते हैं उस पर ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, ना ही एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो FSSAI ने अब पहले कुछ ही दिनों पहले कुछ अपडेट निकाली थी कि सारे हलवाइज जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं स्वीट्स की, उन्हें अपनी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी बेस्ट बिफोर डेट देनी पड़ेगी। अब दोस्तों से उन्होंने कहा है कि पहले डेट रखी थी कुछ 24 जुलाई और उसे एक्सटेंड करके 1 अक्टूबर कर दिया है। अब 1 अक्टूबर पे जो भी मिठाई मिलेगी उस पे आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट और बेस्ट बिफोर डेट आपको मिलेगी जरूर। तो अगर दोस्तों अगर आपने कोई मिठाई खरीदने जाना तो ये जो मैंने आपको चीज बताई है इसे पूरा ध्यान में रखकर ही आपको खरीदारी करने जाना हो। दोस्तों अगला अपडेट आता हमारा जीवराज टी को लेके। दोस्तों इनका लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा, जीवराज जो आपको टी है जो बहुत ही पुराने और बहुत ही ओल्डेस्ट टी मैन्युफैक्चरर का इनका बहुत ही ऊंचा नाम है इनका। मतलब कि अगर इंडिया में आप देखेंगे पुराने टाइम से चलते आ रही जो टी है तो जीवराज टी का आपका नाम तो आपने सुना होगा। तो इन्होंने दोस्तों अपना एक प्रोडक्ट निकाला था जिसका नाम रखा था समारा टी। वही समारा टी थोड़ी सी तो महंगी है पर लेकिन इनका फ्लेवर टेस्ट बहुत ही बेहतरीन है, जिस कारण से ये अपना प्रोडक्ट लोकल एरियाज पे पहुंचा पाए इस समारा टी को लेके। इस समारा टी को दोस्तों इन्होंने वहां पे सेल करा और अपना रेवेन्यू कम से कम 7 करोड़ तक इनहेंस कर लिया, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन इनका प्रोडक्ट लॉन्च है, बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। दोस्तों अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसे अमेजोन का लिंक दे रखा होगा, इस एफिलिएट मार्केटिंग का है दोस्तों, जाइए उसे आप अगर आपको पसंद है जेवराज की कोई टी और जो मैंने आपको समारा टी है इसे वहां से आप बाय कर सकते। दोस्तों अगला अपडेट आता है हमारा मदर डेयरी की तरफ से। तो दोस्तों मदर डेयरी ने कम से कम 5 तरह की मिठाइयां निकाली हैं जो कि ऑल मिठाइयां हैं जो कि मिल्क बेस्ड है। मिल्क पर ये सारी स्वीट्स बनी हुई। नॉर्मली दोस्तों आपने मिल्क क्या बोलते हैं, मदर डेयरी को हमने दिल्ली NCR इलाके में ज्यादातर आपने इसे देखा होगा, तो वहीं पर उन्होंने कोशिश करते हैं, वहीं अपना सैंपल निकालते हैं, कोशिश करते हैं दिल्ली NCR में ही बेचे और उस पूरे एरिया को उन्होंने पूरा लोकेट करके रखा हुआ है, पूरा अपना प्रभाव बना के रखा हुआ है। कोई भी वहां पर प्रोडक्ट आता है तो मदर डेयरी वाले कोशिश करते हैं कि वहीं पे ही अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें, टेस्ट करें और इसे ही सेल करें। दोस्तों अगला अपडेट आता है हमारा ICD और त्रिलोक फूड स्टार्टअप की तरफ से। दोस्तों ये कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने इकट्ठा मिलकर इन्होंने तय करा है कि वो अब अपने रेडी टू ईट जो पैकेज होते हैं रेडी टू ईट पैकेज उसे ये जो COVID-19 सेंटर बने हुए हैं वहां पे जो नॉर्मली जो पर्सन कैद हो रखे हैं COVID-19 की वजह से जो क्वारंटाइन हो रखे हैं उन्हें वो सप्लाई करने वाले हैं। कम से कम ये 1000 मील तक उस पर सप्लाई करेंगे, उन्हें प्रोवाइड करेंगे खाना भोजन जो भी इनका है। अगर दोस्तों मैं त्रिलोक फूड स्टार्टअप के बारे में बात करूं, अगर दोस्तों इस पे अगर त्रिलोक फूड स्टार्टअप पे अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, कहीं आपको इस स्टार्टअप पर कोई वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मत भूलिएगा। दोस्तों अगला अपडेट आता है हमारा फिलिक्स इंडस्ट्री की तरफ से। गाइस फिलिक एक तरह की इंडस्ट्री है जो कि फूड रिलेटेड आइटम और इम्यूनिटी बूस्ट रिलेटेड आइटम बनाती है। पिछले दिनों ने इन्होंने कुछ कैप्स जैसे कि टैबलेट टाइप निकाले जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती करते हैं। इसी तरह से उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है जिसका नाम रखा उन्होंने सुपर ग्रीन
इसे नॉर्मली आप वाटर में डालकर कंज्यूम करना है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। जो भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स चाहिए इस सुपर ग्रीन प्रोडक्ट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों इस प्रोडक्ट की सेल आपको अमेजोन पे मिल सकती है और उनकी अपनी वेबसाइट philixlife.com पे आगे आपको मिल जाएगी। आपको अमेजोन पे जाना है। अमेजोन की सेल दोस्तों 27 जुलाई को शुरू होने वाली है। दोस्तों अगला अपडेट आता है हमारा कैडबरी की तरफ से। गाइस कैडबरी ने अपना कैडबरी चोकोलेयर गोल्ड एक नया प्रोडक्ट निकाला है और उस पर उन्होंने अमेजोन पे सेल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कुछ थोड़ा प्राइस उसका कम करके उसे बेचना चाहते हैं। एक नया प्रोडक्ट लेके आए हैं, आपको मैंने बताना जरूरी समझा। तो दोस्तों अगला अपडेट आता है हमारा एक स्टडी को लेके। तो गाइस स्टडी एक ऐसी स्टडी है जिसमें बताया गया है कि सारा जिंदगी वीगन रहकर भी हम बीमारियों से बच नहीं सकते, कि वीगन लाइफ इज नॉट सेफ। मतलब ये एक हफ्ता एक स्टडी में बताया गया है कि हमें एक हफ्ते के अंदर कम से कम एक बार तो नॉन वेज को ऑब्टेन करना चाहिए, क्योंकि नॉन वेज में आपको इंसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ग्रीन वेजेस पे आपको नहीं मिल पाते हैं। उनका मेन सोर्स होता है हमारा प्रोटीन। हमारी जो ग्रीन वेजेस होते हैं लगभग ज्यादातर उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भरे होते हैं, मिनरल्स भरे होते हैं, तो ज्यादातर आपको प्रोटीन की मात्रा वेजिस में मिलना थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू मीट प्रोडक्ट्स। उन्होंने कहा कि मीट प्रोडक्ट की कंजम्पशन करें और हफ्ते में एक बार, जिसकी वजह से आपको फाइबर्स और बार बार की आपको प्रोटीन मिलता रहेगा और आपकी सेहत को स्ट्रोंग होती रहेगी। दोस्तों यही थे मेरे कुछ आज अपडेट इस चैनल पर। दोस्तों आज बहुत ही दिनों बाद एक वीडियो आई है जो इस प्रकार फूड टेक न्यूज़ के रिलेटेड आई है, तो आपका आशा करूंगा कि इसको मैं रोज की रोज डालता रहूं। पर कई बार अप एंड डाउन चलते रहते हैं जिंदगी में, कभी अच्छा चल जाता है कभी बुरा दिन चल जाता है, तो साइड करते हैं और ऐसे ही हम वीडियो को लेके आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो गाइस अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसे जरूर बताएं कि ऐसा एक चैनल है जो कि फूड टेक के रिलेटेड आपको अपडेट देता है। तो चलिए गाइस मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।